जय हिंद दोस्तों। आज 30 मार्च को अलग-अलग जगह पे ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं अपने लोकल सांसद एमपी को। और बता दें कि ओआरओपी से संबंधित अभी-अभी असदुद्दीन ओवैसी को सौंपा गया है ज्ञापन विसंगतियों को लेकर। ओवैसी ने कहा है कि लोकसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे और कहा है कि मीडिया और नेताओं की जवान पर ताला क्यों लगा है जब जेसीओ जवान को लेकर देश में भेदभाव हो रहा है। देश में जो भेदभाव हुआ है ओआरओपी से लेकर ओआरओपी को लेकर उसमें कहा है कि जो भेदभाव हुआ है इसमें मीडिया और नेताओं की जवान पर ताला क्यों लगा है। पहले तो मैं वो तस्वीर दिखाता हूँ जो ओवैसी को ज्ञापन सौंपा गया है। आप देख सकते हैं ये ज्ञापन सौंपा गया है ओवैसी को लोकल सांसद को। और उसके बाद ज्ञापन जो दिया गया है उसमें कई तरह की चीजें लिखी गई हैं। 16 मांगे जो भूतपूर्व सैनिकों की हैं, फैमिली पेंशनर्स की हैं, एक्स ग्रुप से संबंधित मांगे हैं वो ज्ञापन दिया है इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन ने। और ये ज्ञापन 29 तारीख को दिया जाना था लेकिन ये 30 तारीख को दिया गया है, 29 तारीख को लिखा गया था। इसमें बता दें कि ओआरओपी में 20 जनवरी 2023 से विसंगतियां हुई हैं। 16 पॉइंट दिए गए हैं जिसमें कि प्रीमेचर एक्स ग्रुप ओआरओपी में जेसीओ के ओआर के साथ जो विसंगति हुई है, एमएसपी को लेकर है, जेसीओ ओआर की जो पेंशन मिलनी चाहिए 75 पे का पेंशन मिलनी चाहिए, तो कई तरह की विसंगतियों के बारे में कहा गया है। और ग्रेड पे एमएसईपी इस पर भी मुद्दे उठाए गए हैं। तो ये 16 पॉइंट जो दिए गए हैं ओवैसी ने कहा है कि इस पर हम आगे बात करेंगे और इसका मुद्दा लोकसभा में राज्यसभा में दोनों जगह उठाएंगे। और उनका कहना है कि समान मिलिट्री सर्विस पे जरूर मिलना चाहिए क्योंकि ये रिस्क है, रिस्क सभी के लिए बराबर होता है। आर्टिकल 14 के अनुसार भी हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरा लेटर, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो विसंगतियों से संबंधित लेटर है। ये विसंगतियां सभी को पता होनी चाहिए, चाहे सिपाही हो, चाहे हवलदार हो, चाहे जेसी हो, क्योंकि हमें जब अपना हक ही नहीं पता होगा तो हम कैसे अपनी मांगे उठाएंगे। तो ये विसंगतियों का लेटर मैं डिस्कशन दे दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें जिससे कि लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।